है आपका दोस्त राकेश श्याम भक्ता। तो ये देखिए कि हमारा डैम भी ओवरफ्लो हुआ है और नदी को अच्छे से पानी आया है। तो बस यही है, अभी लगाते हैं हेलमेट में कैमरा। तो कुछ हेलमेट की भी साफ सफाई नहीं कर पाया हूँ मैं, और सोचा था कि मैं आते टाइम सारा काम निपटा के मोटो व्लॉगिंग करूँ, बट मुझे हमारी रिवर दिखाई गई तो अच्छा पानी था हमारे रिवर में, तो मैंने सोचा कि चलो यही से शुभारंभ करते हैं। तो ये हमारा शहर पिंपल नेर, और ये हमारे शहर के गड्ढे। तो पहले पेट्रोल डलवाते हैं हमारी बाइक में, महंगा हो चाहे सस्ता हो, अगर बाइक चलानी है तो पेट्रोल। जितका भी वाला माला बाहर गाँव जाए तो अलग का पेट्रोल रात में। मैं जब भी, आपने पहले भी एक वीडियो में देखा होगा, जब मैं जल चालू द्वार जा रहा था तभी भी पेट्रोल नहीं था, उससे पहले भी एक बार ऐसा ही हुआ है। कोई नहीं, पेट्रोल पंप अच्छा है, पेट्रोल हमेशा रहता है, बट मेरा थोड़ा सा बैड लक भी खराब होता है ना, तो कभी कभी मिलता नहीं है, बट आगे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सिर्फ निजर तक पहुंचने के लिए पेट्रोल डालेंगे, फिर वहाँ पे गुजरात के पेट्रोल पंप पे डालेंगे, थोड़ा रेट भी कम है वहाँ पे। अभी 108 है यहाँ पे, 108.35। दोनशे दहा। गुजरात गए रहे ना, थोड़ा कमी है ना भाव, ये तो ना तेरे टाकी है सुन, आई कितने 108.35। हाँ तो दोस्तों, हमारी बाइक अभी 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर चल जाएगी ऐसा मुझे लगता है, बट देखते हैं। भैया थोड़ी आवाज देख लेते हैं, तो ये हमारी कुछ बाइक इस तरह से मांगी होगा। ये कुछ इस तरह से, बारिश ही नहीं बंद हुई है, थोड़े दिन बंद होती है वापस शुरू हो जाती है, सोचता हूँ कि वॉश कर लूँ फिर वापस बारिश शुरू होती है। कमी दिखा जब
तो चलो तो मैंने सेफ्टी गियर्स में अभी तक कुछ नहीं मंगवाया था, बट एक दो बार जब मैं रात में या बहुत मॉर्निंग में बहुत जल्दी कभी बाइक पे जाता हूँ ना, तो ठंड बहुत बचती है और मेरे पास तब मुझे लगता है कि मेरे पास सेफ्टी गियर्स चाहिए, ग्लोव्स ऐसा कुछ चाहिए। तो अभी फिलहाल मैंने तो सेफ्टी गियर के नाम पे सिर्फ हेलमेट पहना है, वो भी सस्ता वाला है 1500 वाला, और ये ग्लोव्स है जो 300-400 रुपए के आसपास होंगे। बट आज तो पहली बार ग्लोव्स पहन के बाइक चला रहा हूँ दोस्तों मैं, तो बस देखते हैं कैसे चला पाता हूँ, थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगेगा। पूरे हाथ को कवर कर पा रहे हैं बट कोई दिक्कत नहीं, और 300-400 रुपए में क्या मिलेगा दोस्तों। एक बार ये मैं एक इंसिडेंट आपके साथ में शेयर करता हूँ, शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। जो मेरी वाइफ है ना, उसके ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए थे, हमें रात को 12 बजे के आसपास पता चला कि एक्सपायर हो गए हैं, और तब था दिसंबर का महीना, मतलब आप समझ लीजिए कि कितनी ठंड होती है उस टाइम। तो हमने सोचा कि कैसे जाए, इतने मॉर्निंग में गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो दिसंबर का महीना था, तो मॉर्निंग में 5 बजे हम निकले तीनों लोग, मैं, दक्ष और दक्ष की मम्मी, वैसे स्वेटर वगैरह सारा कुछ पहना हुआ था, बट हाथ इतने जबरदस्त ठंड हो गए थे ना, पूरे सिकुड़ गए थे मेरे हाथ, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तब मैंने सोचा कि मुझे ग्लोव्स लेने चाहिए, तो बहुत खराब हालत हुई थी मेरी, तो तब से मैंने सोचा कि ग्लोव्स लेने पड़ेंगे। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि रात को मैं 10-10:30 बजे किसी बाहर गांव के शहर में गया, तो पूरा काम होते होते 10-10:30 भी वहां से 10-10:30 बजे रात को निकलना पड़ता है कभी कभी, तब भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये सेफ है, अगर समझो गिर जाते हैं हम, तो पहले हम हाथ टेकेंगे हमारा, तो सबसे पहले हमारा जो नेचर ही होता है ना ह्यूमन का, जब भी हम गिरते हैं ना, तो पहले हमारे हाथ जमीन पे हम टेकते हैं, तो उस वजह से हाथों को ही ज्यादा नुकसान होता है। और भी धीरे धीरे हम सभी तरह के जो सेफ्टी गियर्स है ना बाइक वाले, वो लेंगे, अच्छी सी राइड भी करेंगे हमारा काम एडजस्ट करके। तो दोस्तों ग्लव्स पहन के तो अच्छा लग रहा है अभी तो फिलहाल, बाकी देखते हैं। Few moments later. थोड़ा सा फोन पे बात करने के लिए रुका था, 5 मिनट के लिए रुका था, लेकिन 10-15 मिनट हो गए।
तो ये थोड़ा सा यूज टू अभी हो गए हैं। 34 किलोमीटर चला लिया है मैंने और रास्ता भी काफ़ी ख़राब था, बट कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हम यूज टू हो जाएंगे ग्लोव्स से। तो नंदुरबार जाते टाइम एक छोटा सा शहर पड़ता है, गांव, इसे बोलते हैं छड़वेल। तो हमें अभी हमारा जो रास्ता है ना वो अंधारे स्टॉप तक रहेगा। ओके, तो चलो चलते यहाँ से, यहाँ से भी जा सकते हैं, अंधारे स्टॉप तक जाना है, फिर वहाँ से मैं ये ग्लोव्स भी निकाल दूंगा, हेलमेट का जो कैमरा है ना वो निकाल दूंगा, और मेरा जो नंदुरबार का जो काम है ना वो सारा होने के बाद में वापस से मोटो ब्लॉग करेंगे। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में। और बीच में ऐसा लगा था ना कि बारिश शुरू हो जाएगी, अभी भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश शुरू हो सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, बट उमस है, गर्मी है और बाकी सब ठीक है। पिछले वीडियो में ना ये हमने थंबनेल लिया है, आई लव नंदुरबार, आज इसका ले लेंगे। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मोटो व्लॉग करूँ नंदुरबार में, देखते हैं कितना मोटो व्लॉग हम कर पाते हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए हमें वीडियोज में, तब ये आपके लिए इस तरह के वीडियोज हम लाते रहेंगे। यहाँ से भी आ सकता था मैं, थोड़ा शॉर्टकट था, ये आ गया अंधारे स्टॉप, ये नहीं है, इसके आगे है। तो ये आ गया है अंधारे स्टॉप दोस्तों, और जबरदस्त ट्रैफिक। तो ये नंदुरबार का ट्रैफिक, ये
यही तक आना है शायद मुझे।